अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी आलू मटर किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 1 kg पोटैटोस, 1 kg फ्रेश पीस, 1/2 कप ऑफ डालडा घी, 250 ग्राम टोमेटो पेस्ट, 1 लार्ज साइज ब्राउन ऑनियन पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून होल गरम मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सबसे पहले हम टोमेटो पेस्ट में ये लाल चिल्ली डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर, नमक, चिली फ्लेक्स, अदरक और लहसुन का पाउडर, इन सबको मिक्स करके रख लेंगे। घी को गर्म करके इसके अंदर ये टमाटो पेस्ट के अंदर मैंने जो मसाले डाले थे ये सारे डालकर मैं मसाला भूनूंगी। मसाला जो है वो भुनने वाला है, इससे पहले हम इसके अंदर ये गरम मसाला डाल देंगे। देखिए मसाला अच्छी तरह भुन चुका है और ये घी भी इसमें से अच्छी तरह अलग हो गया है। इस स्टेज पे मैं ये आलू डाल दूंगी और आलूओं को थोड़ी देर तक भुनूंगी। आलूओं को अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं ये मटर डाल दूंगी और इसको भी थोड़ी देर तक भूनूंगी। मटर को अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर इतना पानी डाल दूंगी कि आलू मटर गल जाए और थोड़ा सा शोरबा भी बाकी बच जाए। देखिए आलू बटर अच्छी तरह अब ये गल चुके हैं। इसके अंदर मैंने ये ब्राउन प्याज जो ग्राइंड करके रखी थी वो डाल दूंगी। और गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी और इसको हल्के हाथों से मिक्स करके दम पे रख दूंगी। दो मिनट के बाद मैं इसे डिश आउट कर लूंगी। देखिए नाज़रीन, मज़ेदार आलू मटर मुकम्मल तौर पर तैयार है। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।